हेलो ऑल, वेलकम टू वैदिक कलर्स। मैं विजेंद्र सिंह बुंदेला, मैं एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हूँ और वैदिक कलर्स के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। यह आपके रोज़ के जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है और इससे एक नई चीज़ आप सीखेंगे। आज हम यह सीखने जा रहे हैं कि ज़मीन के अंदर में पानी जो है वो कैसे टेस्ट किया जाए, पानी कहाँ पर है, क्योंकि ज़मीन तो बहुत बड़ी होती है परंतु उसमें पानी कहाँ पर है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में हमारे पानी बहुत ही महत्व रखता है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, तो बगैर जल के हमारा जीवन कुछ भी नहीं हो सकता और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं सभी का आधार जल ही है। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए बहुत से जल के स्रोत दिए हैं। इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का जीवन चलता है, जैसे नदी, तालाब, समुद्र। इन सबको अगर हम देखें तो इनमें उपयोग, मनुष्य के उपयोग का जो पानी होता है वो बहुत कम है और दिनों दिन कम होते जा रहा है। इसका कारण है कि प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया है पर हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसको इतना ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं कि उसकी कमी होने लग जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं, पानी हमारे लिए कम होते जा रहा है उपयोग का। हम देख सकते हैं हमारे यहाँ जनसंख्या भी बढ़ रही है, पानी जाने के स्रोत भी कम हैं, दिनों दिन पानी के अन्य स्रोत भी जैसे तालाब, नदी, ये सब में पानी भी कम होते जा रहा है, बारिश भी कम हो रही है। पानी कम होने का जो दर्द है वो हम किसान से भी सुन सकते हैं। किसान जब हमसे बात करता है और उसको जिस वर्ष वर्षा नहीं होती है और उसके पास में पानी के संसाधन कम रहते हैं, तो जो उसके लिए अपनी आमदनी का जरिया है वो एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन जाता है। किसान के ऊपर बहुत सारी अर्थव्यवस्था भी टिकी हुई है। बहुत सारे व्यवसायी हैं जिनका घर किसान की इनकम से होने वाली खरीदी पर ही चलता है, वो भी एक अपने आप में चिंता का विषय उनके लिए हो जाता है। अब व्यवसायियों के अलावा कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ले लीजिए, कुछ कॉलोनीज ले लीजिए, जहाँ पे पानी नहीं मिल पाता है तो कैसे वो अपनी दिनचर्या जो है उसमें इस कमी का सामना करें, वो एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज बन जाता है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं तो उसको अपनी फैक्ट्री में पानी लगता है, अगर वो पानी उसको नहीं मिल पा रहा है तो वो कैसे प्रोडक्शन करेगा, उसके लिए भी एक समस्या का कारण हो जाता है। अब प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो वहाँ पर पानी कम होते जा रहा है। अब व्यक्ति को जीना है तो पानी तो चाहिए, जैसा हमने पहले बात करी जल ही जीवन है, परंतु अब ये नहीं रहेगा तो क्या, हमें कृत्रिम संसाधनों की तरफ ध्यान रखना पड़ रहा है, जैसे कि बोरवेल। वो बोरवेल आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्रोत बन चुका है हर एक के लिए। अगर कॉलोनीज़ की बात करें तो जहाँ पर पानी की लाइंस नहीं है वहाँ पर बोरवेल ही काम आ रहा है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बोरवेल ही काम आ रहा है। तो ऐसे में बोरवेल करवाना और उसका सक्सेसफुल होना ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है। आज भी भारत की जनसंख्या काफ़ी कुछ गरीब है और अगर उन्हें बोरवेल करवाना है तो वो एक लग्जरी में आता है। लग्जरी में क्यों आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे लगते हैं और पैसा लगने के बाद में क्या गारंटी है कि उसमें पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। ये सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाया है और इस दर्द को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम एक नारियल लेंगे। नारियल लेने के बाद में हम उसको पूरी तरीके से साफ कर देंगे। साफ करने के बाद में इसमें ऊपर की जो टिप है इसमें थोड़ी सी जो जटाएं हैं वो छोड़ देंगे और नीचे का जो पोर्शन है उसको भी साफ कर लेंगे, ताकि जब वो वर्टिकली खड़ा होगा तो वो पूरा साफ हो जाएगा। इसके बाद में पूरी तरीके से साफ होने के बाद में जैसे जैसे हम फील्ड में पानी की तलाश करेंगे तो नारियल धीरे 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 जो है जैसे जैसे पानी की स्ट्रीम आएगी वो इस तरीके से वर्टिकली खड़े होते जाएगी। जैसे जैसे स्ट्रीम और पास आएगी नारियल पूरी तरीके से वर्टिकली बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से जैसे जैसे हम स्ट्रीम या पानी की धारा से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे नारियल वापस से हॉरिजॉन्टल स्टेट में यानी नीचे लेटने लग जाएगा। जैसे हम पानी के स्ट्रीम के पास में जाएंगे, धारा के पास में, वैसे यह स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली इस टेस्ट को करते हैं।
आज हम ये एक बहुत ही पॉश कॉलोनी है या पॉश एरिया बोल दीजिए इंदौर का, जिसको कि हम पूरा यहाँ पर स्टडी करने आए हैं। यहाँ पे वाटर लेवल भी ऐसा बताते हैं कि काफ़ी कुछ नीचे है। आज ये देखिए आप, ये टाउनशिप के बाहर टैंकर्स भी खड़े हुए हैं पानी के, यानी समझ लीजिए आप यहाँ पर पानी की, ये अभी जनवरी का टाइम है और अभी तो पानी की कोई ऐसी समस्या नहीं होती है, परंतु अब आप देख सकते हैं कि टैंकर अगर अभी खड़े हैं तो सोच लीजिए कि पानी की स्थिति क्या होगी। बड़ी ही पॉश लोकेशन है ये। और अब जो है हम यहाँ पर आज अपनी जो टेस्टिंग है या जो भी हमने बात की है उसको हमको कैसे देखना है, मतलब इतना पॉश एरिया होने के बाद में भी आप सोचिए पानी की किल्लत कितनी ज़्यादा होगी और यहाँ पे लोग परेशान भी होंगे। खैर वो टैंकर्स के सॉल्यूशन और अदर सॉल्यूशंस तो हैं ही, पर अपन पर आज यहाँ पर हम इसी एरिया में पूरे पानी की टेस्टिंग करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए बिल्कुल स्लोली हम चल रहे हैं। अभी हमारा जो नारियल हाथ में है वो वर्टिकल पोजीशन में है, थोड़ा थोड़ा अब देखिए वो लिफ्ट होते जा रहा है, वर्टिकल होते जा रहा है, आप देखते जाएं उसको। ये देखिए बिल्कुल स्लोली आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे से, धीरे धीरे से आप फील करते जाएं उसको। ये एक नई कॉलोनी आने वाली है, वहां की टेस्टिंग चल रही है। धीरे बिल्कुल स्लोली आपको जाना है, आपको अपने आप फील होगा। ये देखिए धीरे से, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आप देखें नारियल पूरी तरह से वर्टिकल होता जा रहा है, पूरा खड़ा होते जा रहा है। ये देखिए ये मूवमेंट्स, ये देखिए बिल्कुल पास में है, अभी यहाँ पर बोरिंग होना है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप, यहाँ पे ये पॉइंट हमको अब यहाँ पर कुछ निशान लगाना पड़ेगा जिससे कि हमको पता रहे कि यही पॉइंट है। ये देखिए अब यहाँ पर हम कोई भी चीज या तो कोई चीज को गाड़ दें, यहाँ पर सरिया है कुछ भी, अभी हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं हमारे पॉइंट को, धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे ये क्रॉस चेक करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आपको डाउट होता है आप वापस चले जाएं और फिर से आप धीरे धीरे देखिए, बिल्कुल वो अभी हॉरिजॉन्टल स्टेज में है। देखिए धीरे धीरे वो अब वर्टिकल स्टेट में आते जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 बिल्कुल वर्टिकल स्टेट में आते जाएगा। ये देखिए वही पॉइंट पर आकर देखिए पूरी तरीके से वर्टिकल हो रहा है इसमें। ये देखिए कुछ वाइब्रेशंस भी ऐसे फील होते हैं कई बार, ये इसको, ये आइए इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। होता यह है कि जब वाटर डाउजिंग मेथड यूज करी जाती है तो जब जो व्यक्ति नारियल को लेकर पानी को चेक करता है उसको डाउजर बोलते हैं। डाउजर पानी ढूंढने वाले, अपन एक तरीके से अभी समझने की भाषा में अगर बात करें पानी ढूंढने वाले को हम डाउजर बोलेंगे। तो डाउजर अपने हाथ में जब नारियल लेकर चलता है तो पहले नारियल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, मतलब हाथ में लेटा हुआ रहता है। जैसे जैसे डाउजर जाता है पूरे फील्ड में घूमता है, जहाँ पर उसको पानी की स्ट्रीम मिलने लग जाती है, पानी की स्ट्रीम मिलते ही वो ऑटोमेटिकली नारियल जो है धीरे धीरे खड़ा होने लग जाता है, वर्टिकल स्टेट में आना शुरू हो जाता है। जब वर्टिकल स्टेट में आना शुरू करता है वो, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स,
हम अगर साइंटिफिकली भी बात करें, जो साइंटिस्ट की बातें हैं उनके हिसाब से जहाँ पर पानी बढ़ता है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। तो जो नारियल का जो सेंटर रहता है और जो धरती का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, वो दोनों पहले जब हॉरिजॉन्टल रहता है तब तो वो बैलेंस नहीं होता है, पर जैसे ही वो पानी की स्ट्रीम के पास में आने शुरू होता है तो वो नारियल जो है वो धीरे धीरे वर्टिकल स्टेट में अपने आप खड़ा होते जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, सभी लोगों को जितने साइंटिस्ट हैं उसमें हमको यही चीज़ समझ में आई कि ये जो पानी जो नारियल खड़ा होता है, जिसको लोग जो नहीं जानते हैं वो तो इसको ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो फालतू अंधविश्वास है या कुछ भी है, परंतु ये सच है और इसका मैंने खुद ने प्रैक्टिकली अनुभव करके, और हम एक टाउनशिप पर जो गए थे जहाँ का मैं आपको वीडियो दिखाया भी है, वहाँ पर हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली हमने इसको चेक भी किया है। कई टाउनशिप्स में मैं जाता हूँ, कई टाउनशिप्स पर जाकर हम पानी चेक करते हैं। इनफैक्ट मैंने कई किसानों के पास में भी गया हूँ, वहाँ पर भी जाकर पानी चेक किया। शुरू में मुझे ये मालूम नहीं था, पर बाद में जब मैंने काफ़ी साइंटिस्ट से और एक्सपर्ट से बात की तो उसके बाद में यही सार निकल के आया कि इंडिया में तो इस टेक्निक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इंसान के पास में संसाधन कम है, गरीबी ज़्यादा है, और ये टेक्निक कुछ नहीं करते करते भी 90% हो जाती है सक्सेसफुल। तो आदमी को पानी भी मिल जाता है, उसका पैसा भी कम लगता है और उसके पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जल ही जीवन है, इसको बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए। वैदिक कलर्स के माध्यम से हम ऐसे ही वैदिक तकनीक और वैदिक ज्ञान से भरे हुए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशनल आपको लग रहा है जो ज़रूरतमंदों में आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको देखते रहना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है, आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, दोनों के लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की भरमार है। और इसके साथ ही नए वीडियोस की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।